नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखो मैं एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आया हूँ और वो जो उद्देश्य है वो है आपका हित। बिल्कुल, जो बच्चे इस बार क्लास टेंथ में हुए हैं प्रमोट होकर 9th से, या जो वेट कर रहे हैं अपने जो एग्जाम्स वो खत्म होने का, लेकिन थोड़ा सा बोरियत उनको फील हो चुकी है, इतने दिन हो गए हमारे एग्जाम हो नहीं रहे और वो भी शंका में है कि क्या पता एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इतनी फेक न्यूज़ यहाँ पर फैल रही है। कह रहे कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, पोस्टपोन चलो ठीक है, लेकिन कह रहे एग्जाम कैंसिल हो गए। भाई देखो, जब तक गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहती ना, कोई भी अगर साफ तौर पर गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से नहीं आती, तब तक आपको कुछ भी ऐसे फॉर्म पर विश्वास नहीं करना। हम देखो आज यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ आपके लिए लाइव ऑनलाइन टेस्ट की। बिल्कुल, अगर आप 9th से प्रमोट होकर क्लास 10th में आ चुके हैं और अपनी जो पढ़ाई आपने वो शुरू कर दी है, या आप 10th में अध्ययनरत थे और आपके जो एग्जाम्स वो बच रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आपकी बोरियत थी उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए, आपकी जो 10वीं की प्यारी प्यारी यादें थी उनको फिर से ताज़ा करने के लिए, सबके लिए आपका है लाइव ऑनलाइन टेस्ट। अब देखना, ये जो आपका टेस्ट है, ये आपको टेस्ट करने का टाइम अब आ चुका है और मैं आप लोगों को टेस्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, एक आपको छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट जो है वो मैं आयोजित करने की सोच रहा हूँ इसी संडे को, यानी आप लोग देख पा रहे हो दिस संडे 24 मई, यानी इसी 24 मई को आपका जो टेस्ट है वो रखा जाएगा। अब देखना टेस्ट कितना शानदार तरीके का होगा। आपने क्लास 10th के अंदर अपने डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, यानी डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसको पढ़ा होगा वो, प्लस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र था वो, प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े होंगे। किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी के लिए देखो एग्जाम है। अब तक होता क्या था कि आपका जो एग्जाम होता था वो केवल आपकी क्लास के 20-30-40-50 बच्चों तक सीमित रहता था, यानी आपका जो कॉम्पिटिशन वो क्लास के 20-30 बच्चों से होता था। यहाँ पर आपका एक तो देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बताऊंगा आपको कैसे ये टेस्ट देना है। उसके अलावा आपका देखो जो कॉम्पिटिशन है वो इस देश के यानी भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग हिस्सों से जो विद्यार्थी जुड़े हुए रहते हैं हमारे साथ में, उन सब के साथ आपका जो आकलन है वो यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा कि कम से कम 100-200 बच्चों के बीच में आप यहाँ पर टेस्ट देने के लिए बैठोगे और उनके अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी जो पोजिशन है वो इन 100-200 बच्चों यानी आपके जो भारतवर्ष से जो पूरे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ेंगे उनके अंदर आपकी जो पोजिशन है वो क्या है, आपकी तैयारी है वो किस प्रकार की है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर लाइव ऑनलाइन टेस्ट के अंदर जुड़े और पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ ये जो टेस्ट इसकी तैयारी करके सुबह जो 10 से 11 बजे का हमने जो टाइम रखा है दोपहर में क्लास 12 के लिए, 10 से 11 बजे का जो टाइम है जो कि आपकी क्लास 10 के लिए रखा गया है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, आपको जो दोनों मीडियम है उनके लिए टेस्ट होगा, क्वेश्चन सेम ही होंगे दोनों लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर रिपीट होंगे। अब ये टेस्ट आपको देना किस प्रकार से ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो आपको जो टेस्ट होगा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होगा आपको प्रश्न बोला जाएगा, प्रश्न बताया जाएगा, उसके बाद उसका जो उत्तर होगा वो चार ऑप्शंस के रूप में होगा। अब ऑप्शन ए से ही हो सकता है, बी से ही हो सकता है, सी से ही हो सकता है, डी से ही हो सकता है, यानी चार में से आपका एक ऑप्शन जो वो सही होगा। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, जैसे मैं यहाँ से आपको प्रश्न बोलकर बताऊं और उसके चार ऑप्शन दूं, जितनी जल्दी आपसे हो सके तुरंत आप जो है उसका उत्तर रिप्लाई करने की कोशिश करें। सपोज करें कि मान लिया पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर चार ऑप्शन थे ए बी सी डी और आपको लगा कि यार ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा वन टाइप करना, स्पेस देके आप सी लिख देना, मैं अपने आप समझ जाऊंगा, कोई यहां पर कोमा लगाने की, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई हिंदी के अंदर आपको ऑप्शन पूरा लिखने की जरूरत है, आपको सीधा इतना सा करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर सी ऑप्शन वो सही है, या मान लिया क्वेश्चन नंबर 10 था कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आपको क्या करना है 10 लिख के स्पेस देके ए लिख दिया। इतने आसान तरीके से आप कमेंट के अंदर जो अपने जवाब है मुझे दे सकते हो। यहाँ पर मुझे आपके जो उत्तर है वो लाइव यहाँ पर डायरेक्टली दिखेंगे जहाँ से मैं उसको देखूँ, उसके साथ ही जो मेरी टीम जो कि आपके कैमरे के जो है मेरे कैमरे के तुरंत पीछे बैठी है, तो वो तुरंत आपको वहाँ पर रिप्लाई करेगी कि आपका जो उत्तर है वो सही है या गलत। इसके अतिरिक्त, ये तो देखो नॉर्मल बातें थी, बहुत शानदार चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर टॉप करेंगे, जो टॉप 3 जने होंगे उनका जो नाम है उनका यहाँ अनाउंस किया जाएगा और उनसे मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा और उनको बधाई दूंगा और उनकी जो फोटोग्राफ्स है वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि भाई ये जो 3 हैं ये हमारे टॉपर आज के टेस्ट के निकलकर आए हैं। तो बहुत ही देखो शानदार चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो आप टेस्ट है उसको बहुत ही तन मन और लगन के साथ में यहां पर अटेंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया, दोबारा बता देता हूं, लाइव ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का होगा, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूं खास तौर पर, और जो 9th से प्रमोट होकर खास तौर पर आए हैं इस बार, क्योंकि देखो लॉकडाउन के बीच में आपकी जो तैयारी है वो रुकनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुक गया वो साला।
घर आ गया है ना। तो ऐसी कंडीशन अपन लेकिन यानी इसी संडे को यानी 24 मई को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपको जो टेस्ट है वो रखा जाएगा। अब टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार के होंगे, एक प्रश्न आपको दूंगा, उसके चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, चार में से एक जो ऑप्शन होगा वो सही होगा और उसका आपको जो उत्तर है, जैसे पहले में सी ऑप्शन सही है, दसवें में ए ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार से आपको लिख के कमेंट के माध्यम से जो आप अपने जवाब वो मुझे भेज सकते हो, डायरेक्टली मैं उन्हें देखूंगा। जो आपको सिलेबस है इस टेस्ट के लिए वो आपको मैंने बता दिया, जो टॉपिक है आपकी डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र ये वाला होगा, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र ये वाला होगा और तीसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाला टॉपिक होगा। देखो जितने ज्यादा हो सको ना उतनी ज्यादा मात्रा के अंदर इस टेस्ट में जुड़ना और पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, आपको खुद को आंकना कि हम कहां तक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो खुद तो इस टेस्ट के अंदर शामिल होंगे ही होंगे। इसी के साथ जितने आप अपनी ओर से यहां पर विद्यार्थी को जोड़ पाए, क्योंकि देखो जितना बड़ा टेस्ट होगा उतना अच्छा लगेगा कि हम इतने बच्चों के बीच में टेस्ट देने के लिए यहां पर बैठे। तो उम्मीद करता हूं जो मेरी बातें हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो मिलते हैं संडे को सुबह 10 बजे, 10 से 11 बजे के बीच मैं और आप करेंगे सीधा संवाद, क्योंकि देखो आपको जो टेस्ट है वो लाइव है, मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव बोलूँगा, आप जैसे कुछ मुझे वहाँ से लिख के भेजोगे टाइपिंग के माध्यम से मुझे डायरेक्टली मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे यहाँ पर दिखेगा, यानी आप और हम डायरेक्टली एक तरह से जुड़े हुए रहेंगे। ये हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी, इंटरेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन जो टेस्ट है इसको देना, बहुत शानदार बहुत मज़ेदार ये टेस्ट होने वाला है, विश्वास मान के आप लोग चलिए। लेकिन जितनी ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि आप अधिक बहुत बड़ी तादाद के अंदर से इसमें जुड़ेंगे। अभी देखते हो देखो फिलहाल अलविदा इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ज्योग्राफी का कल हमारा टेस्ट भी हुआ था, जो शाम को इस टाइम पे अब क्लासेस होती हैं ज्योग्राफी के हमारे चैनल पे, तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं आप उनको, अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप उनको भी चैनल के बारे में बताएं, रोज़ डेली जो ज्योग्राफी क्लासेस है वो शाम को होती हैं। इसके अलावा जो अभी इसी संडे को यानी आपका तो 10 से 11 बजे के बीच में टेस्ट है, और इसी संडे को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जो क्लास 12th फिजिक्स है वहाँ पर उनका जो टेस्ट है वो भी मैं ही लेने वाला हूँ। तो कोई भी आपकी जानकारी में हो जो क्लास 12th के अंदर हो, फिजिक्स यानी जो साइंस से बिलोंग करता हो, तो जो क्लास 12th की साइंस है उसकी जो फिजिक्स है उसका जो पोर्शन है जो कि सुबह मेरी 10 बजे वाली जो क्लासेस उसके अंदर चल रहा है, तो उसका भी जो ऑनलाइन टेस्ट है इसी की तरह लाइव ऑनलाइन टेस्ट वो भी रखा जाएगा इसी संडे को 24 मई को 2020 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो जितना ज़्यादा हो सके सभी के साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही देखो शानदार शानदार प्रश्न है, इतने अच्छे प्रश्न दूंगा कि मज़ा आया करके। लेता हूँ अभी अलविदा, मिलेंगे अपन टेस्ट के अंदर। ध्यान रखना ये तीन टॉपिक हैं, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, ये तीन टॉपिक का कंठस्थ करके आपको आना है। मैंने जो वीडियोज उनके अंदर इनको बहुत शानदार तरीके से बता रखा है, विद एनिमेशन मैंने इनको बता रखा है, तो ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि सभी जो है बट्टा में से बट्टा लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।